लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम थोड़ी बातें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो कंडीशंस पे आपके 100% क्वेश्चन आता है। हाँ, कंडीशंस में आपको याद है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो यदि a1/a2 = b1/b2 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो सॉल्यूशन क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। सिस्टम क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल लाइंस। और यदि हमारी तीनों चीजें इक्वल है, तीनों रेशियोज इक्वल है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है, तो हमारा सिस्टम हो गया कंसिस्टेंट बिकॉज देर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होगी? कोइंसाइडिंग, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाएगी। ऐसे केसेस में जनरली आपकी इक्वेशन क्या होती है? सेम इक्वेशन किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, इस तरह की इक्वेशन होती है ना। सेम इक्वेशन हम यदि मतलब उसको कॉमन फैक्टर जो भी हमको दिख रहा है इससे उससे डिवाइड कर दें तो दोनों इक्वेशन एक्चुअली में एक ही इक्वेशन होती है, वो दो इक्वेशन होती ही नहीं है, है ना। तो ये आपका कोइंसाइडिंग आई होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट, यूनिक मतलब एक ही आंसर आएगा। वो कैसे आता है? यदि आपका a1/a2 ≠ b1/b2 तो लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, आइदर लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग और लाइंस विल बी पैरेलल और द लाइन विल बी द सेम लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, इन कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस से हट चुकी है। बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम में जनरली सबको प्रॉब्लम होती है, तो हमको जब भी बोट का क्वेश्चन आता है, मोटर बोट वाला, या आपको बर्ड का कह दिया कि बर्ड इज फ्लाइंग इन द विंड, तो पानी की जैसे बोट के केस में पानी काम करता है वैसे बर्ड के केस में हवा काम करती है। हाँ, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में फ्लो करोगे तो डाउन स्ट्रीम, अपोजिट टू एयर फ्लाई करोगे तो अप स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन इज वाटर इज फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम, अपोजिट जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, पानी इधर आ रहा है तो अप स्ट्रीम हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है इसमें। हाँ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पीड वाला डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन। आपको पता है आपके ट्रेन के भी होते हैं, कार के भी होते हैं, और प्लेन के भी होते हैं, एरोप्लेन के। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कैन बी रिटन एज स्पीड इन टू टाइम, और टाइम के टर्म में करना है तो स्पीड इधर आ जाएगा, टाइम कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर हम क्या करते हैं इस केस में, हम मान लेते हैं कि बोट ऑफ द स्पीड, बोट की हमने अज्यूम कर ली स्टील वाटर में x है और स्ट्रीम की स्पीड हमने मान ली y है, कि पानी की स्पीड, पानी जिस स्पीड से फ्लो हो रहा है वो y है और बोट जिस स्पीड से चल रही है पानी मूव नहीं कर रहा है, पानी स्टील वाटर है, तब उसकी स्पीड हमने मान ली x। तो अभी दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम आपकी बोट जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, दैट इज x प्लस y, दैट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। हाँ, और उल्टा जाओगे तो x माइनस y, दैट इज नोन एज अप स्ट्रीम, ठीक। अब हमारा फॉर्मूला तो टाइम की टर्म में बनेगा, हमको टाइम दिया होता है जनरली कितना टाइम लगा, तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड की टर्म में, डिस्टेंस जो भी दिया है, स्पीड यदि डाउन स्ट्रीम जा रहे तो x प्लस y, अप स्ट्रीम जा रहे तो x माइनस y, सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करते हैं। और फिर हमारे इक्वेशन में ऑब्वियसली 1/x + y समथिंग अपॉन x माइनस y आ गया, तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, तो हमको इसको रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय अज्यूमिंग 1/x + y, सपोज a ले लिया, 1/x - y को b ले लिया। फिर हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं a और b के लिए, फिर जो वैल्यू आएगी उसको वापस सब्स्टिट्यूट करके दोबारा सॉल्व करेंगे, तब हमारी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में मतलब दोनों की बोट की और स्ट्रीम की स्पीड आती है, है ना। तो ये अभी जब करेंगे तो आपको फिर से अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, बट दिस इज द कंसेप्ट। और सेम कंसेप्ट आपका बर्ड के केस में हो जाएगा, बर्ड के केस में भी बर्ड फ्लाई कर रही है डायरेक्शन ऑफ विंड, तो आपका डाउन स्ट्रीम हो गया अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम हो गया x प्लस y, और अपोजिट फ्लाई कर रही तो x माइनस y, वहां पे बर्ड स्पीड ऑफ बर्ड विल बी x एंड स्पीड ऑफ एयर या विंड विल बी टेकन एज y। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट होता है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में भी जनरली आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कुछ लोगों को, बट इट्स वेरी सिंपल। वर्क और टाइम में कितने टाइम में कितना काम होगा, यदि हम कोई काम 10 दिन में करते हैं तो हम एक दिन में उसका कितना करेंगे 1/10, 5 दिन में काम कितना होगा 5/10, मतलब आधा काम हो जाएगा।
तो हमको सिंपली नंबर ऑफ डेज को पर डे वर्क से मल्टीप्लाई करना होता है, है ना। तो पर डे वर्क निकालने के लिए उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे बोला कि वन मैन अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज एंड वन वुमन अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन वाई डेज। तो वन मैन का वन डे वर्क क्या होगा, वन अपॉन एक्स, और एक वुमन का वन डे वर्क क्या हो गया, वन अपॉन वाई। अब यदि आपको बोलते हैं चार आदमी काम कर रहे हैं, तो चार आदमियों का एक दिन का काम कितना हुआ, 4 × 1/x, मतलब 4/x। और बोलते हैं थ्री वुमन काम कर रही हैं, तो उनका काम क्या हो गया, 3/y। और दोनों ने मिलकर के काम 3 दिन में कर दिया, तो ये उनका एक दिन का काम है। चार आदमी 3 औरत का एक दिन का काम ये है। हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 डेज करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। काम को हम एक मानते हैं 1 वर्क, तो ये 3 एक्चुअली इधर चला जाता है, तो ये हो जाता है 1/3 डेज, ऐसे प्रोकल में आ जाते हैं। बस ये कंसेप्ट है, आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप वर्क टाइम वाले क्वेश्चन बिना किसी समस्या के कर सकते हैं। हाँ, तो ये वही देखो, ये 3 इधर आ गया, तो 1/3, फिर वही 1/x को ए, 1/y को भी, क्योंकि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है, डायरेक्ट नहीं है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिर एज वाले प्रॉब्लम्स में आपको पता है कि यदि आपको बोला प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज हम पेरेंट्स की या चिल्ड्रन की दोनों की एज को एक्स और वाई अज्यूम करते हैं। अब बोला 2 साल पहले, तो दोनों की एज में 2 माइनस हो जाएगा। हाँ, बिफोर 2 ईयर्स या 2 ईयर्स अबो, दोनों का मतलब क्या है कि माइनस कर दो उसमें से, प्रेजेंट एज में से। और बोला आफ्टर 5 ईयर्स या बोला हेंस, 5 ईयर्स हेंस मीन्स बाद में, दोनों का के मतलब है कि आफ्टर, हाँ उतने साल बाद, तो उतने ईयर ऐड कर देंगे। जैसे बोला, और यदि आपका क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ, अब आपको क्या होता है, ये तो होता है तो सिंपल कि एक फादर या एक सन या मदर एंड डॉटर या मदर एंड सन, सिंपली एक बच्चा और एक दूसरे में रिलेशन लिया होता है। दूसरा केस क्या होता है, एक से ज़्यादा बच्चे, मोर देन 1 किड दे दिए कि, और उसमें क्या होता है, उसमें सारे बच्चों की एज को हम अलग अलग वेरिएबल नहीं अज्यूम करते, उसमें सबकी एज का सम फादर की या मदर की एज के साथ कंपेरिजन गिवन होता है। तो हमने भी फादर की एज वाई ली, तो बच्चों की एज का सम विल बी एक्स। सबको अलग अलग वेरिएबल नहीं देना है, सबकी एज का सम, सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन है तो सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज वाई। अब ये 2 साल पहले एज देखें, तो वाई में से 2 माइनस नहीं होगा, 4 बच्चों की एज में से 2 साल कम करने हैं। आपके 4 बच्चे हैं और हर एक की एज में 2-2 साल कम होंगे। यदि हम 4 साल पहले की बात करें, तो सबकी एज में से 4-4 साल कम होगा, तो 16 ईयर्स कम हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर भी 2 ईयर्स बिफोर है, तो 2 × 4 वाई माइनस 8 होगा, पर फादर की एज में से 2 ईयर्स ही माइनस होगा, पर बच्चों की एज में से 8 ईयर्स, जितने बच्चे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके माइनस या प्लस करते हैं। ऐसे यदि बोला आफ्टर 5 ईयर्स, तो 4 बच्चों की एज 5 साल बाद सबकी 5-5 साल बढ़ेगी, तो 5×4=20 ईयर्स प्लस हो जाएगा उनकी एज में। ये कंसेप्ट याद रखना, हाँ एकदम आसान सी बात है, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको कुछ चीज़ें लगती है जो हम पहले भी कर चुके हैं, कि आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 × l + b, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 × साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर देते तो 3 × साइड, हाँ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपका एनसीईआरटी में ऑप्शन का लास्ट क्वेश्चन, आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, मतलब सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट ऑन द सर्कल लाई कर रहे हैं, तो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। यदि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या 4 पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करें तो क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, ठीक। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में यदि आपको ट्राइंगल के एंगल्स की बात कर दें, तो ये बात आपको अपने आप याद रखना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, क्वाड्रिलेटरल आ गया तो 4 एंगल का सम 360, है ना। फिर आपका फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में हम फ्रैक्शन क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्स अपॉन वाई, तो एक्स क्या हो गया न्यूमरेटर, वाई क्या हो गया डिनोमिनेटर। अब यदि बोला कि 2 ऐड करो न्यूमरेटर में, तो हम यहाँ एक्स प्लस 2 लिख देंगे, एंड 1 सबट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में, तो वाई माइनस 1 हो गया। तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 3/2, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू 3/2 बन जाती है, तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 3/2 से, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे, फिर हमारा जो भी आंसर है वो आ जाएगा।
टू डिजिट नंबर। हाँ हम ये सारे कंसेप्ट एक्चुअली बहुत अच्छे से कर चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा है, पर अभी बिकॉज बहुत टाइम हो गया तो हो सकता है आप क्या ब्रेन में से एकदम चीज़ें निकल गई हो, यदि आपने बहुत टाइम से लीनियर इक्वेशन रिवाइज नहीं किया हो। टू डिजिट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। टू डिजिट नंबर मतलब 10 से लेकर 99 तक के बीच का कोई भी नंबर। पर इसमें आपको पता है कि हमारे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसमें वंस प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि हम उसको रिवर्स करेंगे। यदि हमारे पास नंबर है 80 और हम इसको उल्टा लिख दें तो ये 8 बन गया, विच इज़ वन डिजिट नंबर। तो हमारे सारे वंस प्लेस पे जीरो वाले सिर्फ नहीं आते, बाकी सारे नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है, तो नंबर्स हमको उनके जनरली सम या डिफरेंस या सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, इस तरह की बातें की होती है। तो जैसे ही टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको नंबर को क्या अज्यूम कर लेना है, 10x + y। इसका मतलब y कहाँ है वंस प्लेस पे, x कहाँ है 10 प्लेस पे। जैसे कि मैंने नंबर ले लिया 43, तो 3 कहाँ है वंस प्लेस पे, 4 कहाँ है 10 प्लेस पे। हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते तो 10 × 4 + 3 × 1 = 3, 10 × 4 = 40, 40 + 3 = 43। और इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे तो ये क्या बन जाएगा 34, मतलब 10 × 3। हाँ ये 10 प्लेस पे क्या आ गया 3, और 1 प्लेस पे क्या चला गया 4। तो वही x और y में चेंज हो जाता है, रिवर्स करोगे तो 10y + x, ऐसे था 10x + y, तो बन जाएगा 10y + x। रिवर्स करने पर, इंटरचेंज करने पर जो भी लैंग्वेज लिखी हो मतलब एक ही होता है। फिर आपको बेटा यदि सम ऑफ डिजिट्स बोला तो डिजिट्स यहाँ x और y है, 10y डिजिट नहीं है, 10y उसकी प्लेस वैल्यू है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब प्लेस वैल्यू निकाल दी। तो डिजिट्स की बात करेगा तो आपको x + y, हाँ डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बोलेगा तो x - y, ठीक है। और यदि आपको बोलता है कि नंबर इंटरचेंज करके जो मिला और इसका डिफरेंस या सम, यदि सम की बात करें तो 10x + y और 10y + x ऐड करोगे तो ये 11x + 11y आएगा, और सामने जो सम आएगा 100% 11 का मल्टीपल होगा, इक्वेशन विल बी डिविजिबल बाय 11। और यदि हमको डिफरेंस की बात करता कि डिफरेंस या इंटरचेंज करके जो आया उसका डिफरेंस ये है या उसको ये ऐड करके आ रहा है, तो हम इनको माइनस करते तो इक्वेशन बनती 9x - 9y और इक्वल टू में जो वैल्यू दी होगी वो भी पक्का 9 से डिविजिबल होगी। तो ये सिंपली आपकी बन जाती है x + y x - y करके ÷ 9 ÷ 11। नेक्स्ट कंसेप्ट है गेन परसेंट। कुछ क्वेश्चन अपन ने किए हैं, हाँ अभी करेंगे हम, वो कॉस्ट प्राइस वगैरह दे देते हैं और बोलते हैं इतना गेन पे बेचा तो ये होगा, लॉस में बेचा तो ये होगा। तो अब क्या 8th में आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, थोड़ा भूल जाते हैं, तो इसलिए गेन परसेंट क्या होता है, ये गेन हो या लॉस हो इट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो गेन कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस कम हो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, यहाँ गेन लिखेंगे, तो गेन क्या होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लॉस परसेंट, लॉस कब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो, तो यहाँ CP माइनस एस पी, और गेन या लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पर मल्टीप्लाइड बाय 100 इन परसेंटेज, परसेंटेज भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके बेसिक कंसेप्ट है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं वर्क एंड टाइम के। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की वेराइटी बड़ी कम होती है पर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वर्क एंड टाइम का। इसमें क्या बोला है, टू मेन, अब इसमें मेन वुमन हो सकता है, मेन बॉय हो सकता है, वुमन एंड बॉयज हो सकता है या गर्ल्स हो सकता है, कुछ भी दे दे आपको, लेबर्स हैं उनका रेशियो। इसमें बिना लिखे ये ऑब्वियस होता है कि वो सेम वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं तो ज़्यादा करूँगी आप कम करोगे, ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज परफॉर्मिंग सेम क्वालिटी ऑफ वर्क एंड सेम क्वान्टिटी ऑफ वर्क, कि सेम टाइम पर काम करता है उतना ही काम करता है। हम इसकी बजाय ए की बजाय बी को काम पे लगा लें तो भी काम की क्वांटिटी उतनी ही होगी, ये अज्यूम किया जाता है, इसका हिडन फैक्ट है ये, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, टू मेन एंड 7 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। हाँ तो हमने मान लिया मेन एक दिन में कितना करता है, एक्स वर्क, एक मतलब एक स्टेज में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/x, और टू मेन तो मल्टीप्लाई किससे होगा 2, तो 2 मेन का 1 डे वर्क क्या होगा 2/x, एंड 7 बॉयज दोनों मिलकर के करते हैं इसके प्लस होता है। अब 7 बॉयज, एक बॉय अकेला पूरा काम वाई डेज में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/y, पर कितने बॉयज हैं 7, तो ये हो गया 7/y, काम कितने दिन में हुआ 4 दिन में, तो दिस इज इक्वल टू 1/4।
इक्वल टू वन होता है, यहाँ हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्टली फोर उधर भेज देते हैं। जो चार दिन में काम हो तो एक दिन में कितना होगा, वन फोर। तीन दिन में काम हो तो एक दिन में वन थर्ड। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब सेकेंड में आपको क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, द सेम वर्क इज डन इन थ्री डेज बाय फोर मैन एंड फोर बॉयज। तो फोर मैन का वन डे वर्क, फोर अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन वाई इक्वल टू वन अपॉन थ्री। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट इन द मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, वन अपॉन एक्स को मिले गया ए, वन अपॉन वाई को मिले गया बी। तो अब ये चीज़ें देखो एमसीक्यू एग्जाम है आपका, तो आपको ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू दिस थिंग विदाउट राइटिंग एनी ऑफ दिस। आपको दिमाग में चीज़ें क्लियर है तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, ये क्या बनेगा टू ए, ये क्या बनेगा सेवन बी इक्वल टू वन अपॉन फोर। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, फोर ए प्लस फोर बी इक्वल टू वन अपॉन थ्री। अभी हमको क्या नजर आ रहा है, डायरेक्ट ये स्टेप पे आ जाना चाहिए आपको, ये लिखे बिना अजम्पशन है, ये दिमाग में होना चाहिए कि हमने मेन को वन डे मतलब मेन का टोटल वर्क डन एक्स डेज में माना है, बॉयज का वाई में, और फिर उसको ए और बी अज्यूम कर लिया अपना अपॉन एक्स वन अपॉन वाई को। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट बननी चाहिए बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन। तो हमने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गई, फोर ए प्लस सेवन टू ज़ा फोर्टीन बी, और टू बाई फोर होगा तो ये क्या बनेगा, वन बाई टू। अब दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दें, फोर ए माइनस फोर ए कैंसर, फोर बी माइनस फोर्टीन बी इज माइनस टेन बी, और इक्वल टू वन अपॉन थ्री माइनस वन बाई टू। डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा, ये क्या हो जाएगा टू माइनस थ्री माइनस वन अपॉन सिक्स आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, टेन उधर गया तो बी की वैल्यू क्या हो गई, वन अपॉन सिक्सटी। बी क्या था, बॉयज का काम, तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो बॉयज टोटल काम कितने दिन में करेंगे, सिक्सटी डेज में। एक बॉय अकेला साठ दिन में काम करेगा। अब हम मेन का निकालें तो बी की वैल्यू रखेंगे वन बाय सिक्सटी, किस में रख दें, इस वाले में रख दें सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ इंटू वन बाय सिक्सटी होगा, फिफ्टीन फोर ज़ा सिक्सटी, ये फिफ्टीन वन बाय फिफ्टीन उधर जाएगा, तो फोर ए इक्वल टू वन अपॉन थ्री माइनस वन बाय फिफ्टीन, एल सी एम इज फिफ्टीन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव माइनस वन फोर, फोर अपॉन फिफ्टीन, फोर ए इक्वल टू फोर बाय फिफ्टीन, फोर फोर कैंसिल, ए की वैल्यू वन बाय फिफ्टीन, मतलब एक बंदा अकेला काम कितने दिन में कर देगा, फिफ्टीन डेज में। एक मेन अकेले करेगा पंद्रह दिन में, एक बॉय अकेला करेगा सिक्सटी डेज में। ये आपका आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर मैन एंड सिक्स बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन फाइव डेज। अब आपके माइंड में क्या हो गया कि मैन को हमने माना एक्स और वन अपॉन एक्स को ले लिया ए, तो इक्वेशन क्या बनेगी, फोर ए बॉयज को वाई और वन बाय वाई को बी, तो इक्वेशन क्या बनी, सिक्स बी इक्वल टू वन अपॉन फाइव। इधर फाइव मत लिख देना, इधर वन अपॉन फाइव आएगा। और थ्री मैन, तो यहाँ क्या बनेगा, थ्री ए प्लस फोर बी इक्वल टू वन अपॉन सेवन। ये इक्वेशन बन गई डायरेक्टली। अब हमको टाइम निकालना है एक्स ए और वाई की, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो अब हमें क्या दिख रहा है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हम इनको ए को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको थ्री से इसको फोर से, ताकि वो ट्वेल्व हो जाए, और इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो भी हमारा ट्वेल्व होना चाहिए, तो हम उसको थ्री से टू से करें, इसको थ्री से करें, तब ट्वेल्व होगा, है ना। बी एलिमिनेट कर देंगे और दोनों के ही साइन पॉजिटिव है, तो आप ए एलिमिनेट करो बी एलिमिनेट करो, आपकी मर्जी, आपको सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो हमने किया इसको मल्टीप्लाई थ्री से और इसको किया फोर से, तो इक्वेशंस क्या बन गई, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व ए प्लस थ्री सिक्स ज़ा एटीन बी इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव, और ये हो जाएगी ट्वेल्व ए प्लस सिक्सटीन बी इक्वल टू फोर अपॉन सेवन। अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशंस को, तो ट्वेल्व ए माइनस ट्वेल्व ए कैंसिल, एटीन बी माइनस सिक्सटीन बी विल गिव यू टू बी, और यहाँ क्या आएगा, थ्री अपॉन फाइव माइनस फोर अपॉन सेवन। एल सी एम ले, सेवन और फाइव का क्या आएगा, थर्टी फाइव, सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन, फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी, बचेगा वन अपॉन थर्टी फाइव, और ये टू बी इधर आएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, वन अपॉन थर्टी फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू, मतलब वन अपॉन सेवेंटी। तो बी क्या था, बॉयज का वर्क, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवेंटी, बॉयज विल कंप्लीट द वर्क इन सेवेंटी डेज। अब हमारी बी की वैल्यू आ गई है सेवेंटी, तो हम बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें या इसमें, हाँ सेवेंटी आपका दोनों ही नंबर से डिविजिबल नहीं है,
तो आप किसी में भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सेकेंड में रख दिया, तो 3a प्लस 4 अपॉन 17 इक्वल टू 1 अपॉन 7 होगा। हम इसको उधर ले जाएंगे तो 3a क्या हुआ, 1 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 17। मैंने कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि एलसीएम डायरेक्टली आ रहा है, 70 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 विच इज 6 अपॉन 17। अब ये 3 से ये कैंसिल 2, 2 से ये कैंसिल 35, तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी 35। तो मेन अकेला करेगा 35 डेज में और बॉयज अकेले करेंगे डबल टाइम में लेकिन 70 डे में। एक बंदे को काम पर लगाओगे तो 35 दिन में काम करेगा और एक लड़के को काम पर लगाओगे तो 70 दिन में काम करेगा अकेला। तो जल्दी काम कराना है तो ज़्यादा लोगों को लगा सकते हो एंड यू कैन डू कैलकुलेशन लाइक दिस। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है एंगल। एंगल में बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं ये याद रखना ज़रूरी है। आपको कॉम्प्लीमेंट कब मिलता है, जब आप कोई काम राइट करते हो, व्हेन यू डू समथिंग राइट यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट कि बेटा बहुत बढ़िया काम किया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब राइट एंगल, राइट एंगल मतलब दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो ये याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए मैं इस चीज़ को स्ट्रेस देती हूँ, अदरवाइज तो बहुत छोटी बात है। अभी फिफ्थ क्लास में से बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा बेटा भी फिफ्थ में, उसको भी टीचर पढ़ा रही कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो आई वॉन्ट टू कि फिफ्थ से पढ़ते हो आप, है ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब दो एंगल का सम, यदि एंगल 100 है उनका सम 90 है तो दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। और यदि सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दोनों का सम कितना हो 180, सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री, सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री। अब यदि आप सम की वैल्यू 90 की जगह 180 90 डाल दो तो आंसर गलत हो जाता है, इसलिए ये बात याद रखना बहुत आवश्यक है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 30, जो बड़ा एंगल है दोनों में से वो छोटे से 30 डिग्री बड़ा है, तो फाइंड द एंगल्स, एंगल्स निकालो। और कोई एंगल्स क्या दिए कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे उसने कॉम्प्लीमेंट्री मेंशन किया आपकी एक कंडीशन बिना बोले आ गई कि x प्लस वाई इज 90, है ना। और अब बोला लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 30, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमने मान लिया x y से बड़ा है तो x y से 30 डिग्री बड़ा है, मतलब x में से y को माइनस करेंगे तो 30। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे यदि x इज ग्रेटर देन y तो x कैन बी रिटन एज y प्लस 30। यदि हम ये करते तो हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करते, पर हम इसको यदि x माइनस y इक्वल टू 30 लिख दे काम जल्दी हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को देखते ही गोली मारो, नहीं देखते ही ऐड करो, y y खत्म, मरी जाएंगे वैसे तो, क्योंकि इलिमिनेट हो गए। 2x क्या हो गया 120, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, x आ गया 60, तो y क्या हुआ आपका, y हुआ x माइनस 30 मतलब 30, तो y आ गया 30, x आ गया 60, हो गया आंसर खत्म। टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मॉलर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 36 डिग्री स्मॉलर देन द लार्जर वन, वही बात कर दी ना, एक्सीड्स द स्मॉलर, या स्मॉलर जो है वो 36 डिग्री छोटा है, तो भाई है तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब x प्लस y इज 90 और छोटा वाला 36 डिग्री छोटा है, मतलब x माइनस y की वैल्यू क्या हो गई 36। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 90 प्लस 36 इज 126, डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ गया 63 डिग्री। तो एक एंगल आपका 63 है, x की वैल्यू 63 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 90 में से 63 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 6 9 माइनस 7 2 27 देगी, तो 27 आया, एक एंगल आपका आया 27, तो 63 और 27 में कितने का फर्क होगा, 63 में से यदि हम 27 को माइनस करेंगे तो ये आपका 36 डिग्री का डिफरेंस आएगा, ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, अब यहाँ क्या आ गया सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल्स का सम 180, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 46 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल, तो ये मोर दे दे मतलब उससे इतना बड़ा है, तो कंडीशन सेम चलेगी x प्लस y 90 की जगह 180 और लार्जर हम अभी भी x को अज्यूम कर रहे हैं तो कितना बड़ा है 46, तो x माइनस y इक्वल टू 46 ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू इनका सम 226, तो x की वैल्यू क्या आ गई 113,
तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगल, दोनों निकालना है। तो एक आ गया 113, अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 46 माइनस करके निकाल लें या 118 से 113 माइनस करके निकाल लें, जो भी आपको इजी लगे। 13 में से 6 गए तो बचेगा 7, 11 में से 5 गए बचेगा 6, तो छोटा एंगल क्या हो गया 67, एक एंगल हो गया 113, दूसरा हो गया आपका 67 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल वन एक्यूट एंगल इज डबल द अदर। राइट एंगल्ड ट्राइंगल मतलब एक एंगल क्या हो गया 90 एंड वन एक्यूट एंगल डबल है दूसरे का, तो मैंने मान लिया ये एक्स है तो ये एंगल क्या हो गया 2x। फाइंड द एक्यूट एंगल्स, अब आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगी, एंगल्स और प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और ये भी याद रखो बेटा कि जब राइट एंगल ट्राइंगल है तीनों का सम 180 है पर एक अकेला 90 है, तो बाकी दो एंगल्स का सम भी 90 डिग्री आएगा। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2x प्लस x, 3x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, तो आपका ये एंगल हो गया 30 और ये क्या हो गया 60, 30 एंड 60, 30 का डबल 60 और 30 एंड 60 का सम 90। नेक्स्ट है थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात कर दी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल नीड्स टू बी अप्लाइड, तो कंडीशन क्या आएगी x प्लस y प्लस 40 इक्वल टू 180। और हम क्या करेंगे, हमको पता है 40 उधर जाके माइनस होगा तो हम डायरेक्ट माइनस करके लिख देते हैं, ऐसे लिखने की बजाय कि x प्लस y 180 माइनस 40 140, ये फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। फिर बोला डिफरेंस बिटवीन x एंड y 30, मतलब वही बात हो गई कि x माइनस y तो 30 है। अब आपको x और y निकालने हैं तो ये कैंसिल हो गया 2x इज 170, तो x क्या आ गया 170 बाई 2 दैट इज 85 डिग्री, है ना। x आ गया 85, तो y आपका क्या आएगा, इसमें से 30 माइनस कर दो तो 55 डिग्री आ जाए, तो y आ जाएगा 55। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है एंगल्स का, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है तो दो का सम 90 डायरेक्ट लगाओ, जितना कम टाइम में आप जितना एक्यूरेसी के साथ काम कर पाओगे वही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले जब बोर्ड का पेपर आउट हुआ था तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा टीवी पे, ये दिखा रहे थे हैंड रिटन में, है ना। ये क्या हो गया, फिर से रेक्टेंगल की बात हो गई, ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा है x प्लस 1, यहाँ लिखा है 14, यहाँ लिखा है x माइनस 1, तो हमें क्या पता है अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो आपको मिल गई तो इक्वेशन कि x प्लस y इक्वल टू 30 एंड x माइनस y इक्वल टू 14। तो हम क्या करेंगे, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस y इज 30 एंड x माइनस y की वैल्यू होगी 40। रीजन भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल आर इक्वल, ऐड किया 2x इक्वल टू 44, तो x की वैल्यू क्या आ गई 22, x 22 है तो y क्या आ जाएगा 8, 30 माइनस 22 y आ गया 8, तो x और y निकालना था, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, अच्छा ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, x प्लस y 22 है और x माइनस y 16 है, ऐड करोगे x y y कैंसिल 2x इक्वल टू इनका सम, तो 16 प्लस 22 क्या हुआ 14, 38 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 19, x की वैल्यू आ गई 19, तो y क्या होगा 22 माइनस 19 दैट इज 3, y भी आपका आ गया 3। तो यही बेटा थोड़ा सा करना पड़ेगा कि देख करके प्रैक्टिस करो, समझो और सीखो, तो आप जल्दी से जल्दी कितने कम टाइम में क्वेश्चन कर सकते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है और उसका पेरीमीटर 40 है, तो पेरीमीटर मतलब 2 times l + b इक्वल टू 42 से ले जाके डिवाइड कर दें तो l प्लस बी की वैल्यू क्या हुई 40/2 मतलब 20, क्वेश्चन आ गई 2l इक्वल टू 24, l क्या हो गया 24/2 दैट इज 12, लेंथ आपकी आ गई 12, लेंथ 12 रखोगे ब्रेथ क्या आ जाएगी 20 - 12 8 या 12 उधर और इधर 12 - 4 = 8, किसी में भी सब्सटीट्यूट करो आंसर सेम आता है। फिर आपका ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कि रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 m² यदि हमने उसकी लेंथ रिड्यूस की 5 m, तो लेंथ में 5 कम किया और ब्रेथ को इंक्रीज किया 3, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले क्या था l into b, अब क्या होगा नई लेंथ मल्टीप्लाइड बाय नई ब्रेथ,
मतलब एल माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस थ्री। पहले एरिया एल इंटू बी था, अब ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो अब इनका प्रोडक्ट आएगा एरिया। और हमें क्या बोला है, एरिया गेट्स रिड्यूस बाय नाइन, ये एरिया इससे नाइन यूनिट्स कम है, तो हम इसमें से इसमें नाइन ऐड करेंगे तब इक्वल टू होगा, या हम इन दोनों में माइनस करके इक्वल टू नाइन लिख सकते थे, एक तरीका ये है, या एल बी माइनस नाइन इक्वल टू एल प्लस फाइव इंटू बी प्लस थ्री, जो अच्छा लगे जो इजी लगे वो आप कर सकते हो ना, तरीके कई होते हैं क्योंकि यूज एरिया होता है। अब यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एल मल्टीप्लाइड बाई इज एल बी, एल इंटू थ्री इज थ्री एल, माइनस फाइव इंटू बी इज माइनस फाइव बी, माइनस फाइव इंटू थ्री इज माइनस फिफ्टीन प्लस नाइन इक्वल टू में ये एल बी ही है, एल बी कैंसल, इक्वेशन टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन ही बनेगी। तो इक्वेशन क्या बन गई, थ्री एल माइनस फाइव बी माइनस फिफ्टीन प्लस नाइन इज माइनस सिक्स और इक्वल टू जीरो, या इस माइनस सिक्स को इधर भेज देते तो आपकी इक्वेशन बन जाती इक्वल टू सिक्स, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इंक्रीज द लेंथ बाय थ्री, अब हमने क्या किया, लेंथ को तो इंक्रीज किया थ्री से, एंड ब्रेथ बाय टू, मतलब ब्रेथ को भी इंक्रीज किया टू से, अब एरिया क्या हो गया, पहले से 67 ज्यादा, तो अब एल बी पहले वाला एरिया नया इनका प्रोडक्ट, ये इससे 67 ज्यादा है, तो हम इसमें से 67 माइनस करेंगे तब इक्वल हो, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अब ये आपका क्या हो गया, एल बी, एल बी तो आपको पता है कैंसिल होना है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बी प्लस टू एल आएगा, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बी प्लस टू थ्री जा सिक्स माइनस 67, ये बन गया। अब एल बी कैंसिल हो रहे, ये बचा 2L प्लस 3B माइनस 61 इक्वल टू जीरो या इक्वल टू 61, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो इधर 2L 3B है, इधर 3L 5B है, हम चाहते हैं कि B का वेरिएबल सेम हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 5 है और ये 3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो दोनों में 15 भी हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा। अब उसको 5 से ऐसा पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, थ्री थ्री था 9L माइनस 15 बी इक्वल टू 36 18, उसको 5 से किया तो 10L प्लस 15 बी इक्वल टू 5 था 5, 5 से 30। अब इन दोनों इक्वेशन में बी का कोफिशियंट सेम है पर साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इक्वेशंस को ऐड करने पर बी विल बी एलिमिनेटेड, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो माइनस 15 भी प्लस 15 भी कैंसिल हो गया, 9L प्लस 10L क्या हो गया 19 टाइम्स L, और 118 में 305 ऐड किया तो वैल्यू क्या आएगी 323। अब ये 19 से डिविजिबल होगा पक्का, तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी 19 बचेगा 133, 19 के टेबल में 7 जा होता है 7, हाँ तो ये 7 जा हो गया, तो लेंथ क्या आ गई 17 मीटर। अब लेंथ आ गई 17, अब इक्वेशन में रख दो किसी में भी, इसमें रख दें तो 17 टू 34 उधर जाके माइनस होगा तो 3b क्या हो गया 61 माइनस 34 27, तो b की वैल्यू क्या हो गई 27 डिवाइडेड बाय 3, ब्रेथ आपकी क्या आ गई 9, तो लेंथ आ गई 17 मीटर, ब्रेथ आ गई 9 मीटर। आप चाहो तो इसमें सब्सटीट्यूट करके कंडीशन चेक करके देख सकते हो कि एरिया का क्या हुआ, यदि हमारा लेंथ 17 और ब्रेथ 9 थी तो एरिया क्या हुआ 17 3 का 51, अब हमने लेंथ 3 ऐड की तो 17 प्लस 3 क्या हो गई 20 और ब्रेथ 3 प्लस 2 5, 25 का क्या हो गया 100, तो 100 और 51 में लेंथ में 3 ऐड किया और ब्रेथ 9 है सॉरी, तो 17 9 का आएगा तो 153 आएगा। अब लेंथ तो 20 हो गई और 9 प्लस 2 करेंगे 11, तो 20 इंटू 11 इज 220, अब इनका डिफरेंस 220 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 67, कंडीशन वही आएगी सब्सटीट्यूट करके। लीनियर इक्वेशन की ब्यूटी यही है बेटा कि यू कैन ऑलवेज टेक योर आंसर बाय सब्सटीट्यूटिंग इन द इक्वेशन कि हमने सही किया या गलत किया। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका 4 टाइम्स द एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ अ लार्जर स्क्वायर, द रिजल्ट इज 144 मीटर स्क्वायर। तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, हमने मान लिया स्मॉलर स्क्वायर की साइड x है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, इसको हमने इस 4 टाइम्स एरिया को सब्ट्रैक्ट किया लार्जर स्क्वायर के एरिया में से, तो वैल्यू क्या आती है 144।
बोला सम ऑफ एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 464, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 464 है, तो दोनों स्क्वायर की साइड निकालो। स्क्वायर की साइड हमने एक्स और वाई अज्यूम किए तभी एरिया एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हुआ, तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, हाँ, तो हमारा वाई स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐड होकर क्या हो गया माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, फोर माइनस फोर जीरो, सिक्स माइनस फोर टू, फोर माइनस वन थ्री, ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया 320 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर छोटे स्क्वायर की साइड x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब x स्क्वायर 64 रखेंगे उधर जाके माइनस होता 400, तो y क्या आ जाता 400 का स्क्वायर रूट मतलब 20, तो y की वैल्यू आ जाती 20, x की वैल्यू आ जाती आपकी 8। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये वाला भी आया हुआ है बोर्ड्स में, इसमें आपको दिया है पेंटागन, हाँ, शेप कैसा है, ये थ्री थ्री, दिस इज थ्री, दिस इज थ्री, और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बना हुआ है, यहाँ x माइनस वाई दिस इज फाइव एंड दिस इज x प्लस वाई, और इधर क्या लिखा है एक सेकेंड, ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन, ए बी सी डी ई दिस इज अ पेंटागन, और हमें क्या बोला है विथ बी ई पैरेलल टू सी डी, ये दोनों साइड पैरेलल एंड बी सी पैरेलल टू डी ई, ये वाली साइड भी पैरेलल है, तो ये शेप क्या बनेगा, ये आपका पैरेलोग्राम या रेक्टेंगल ही दिख रहा है एक्चुअली, बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, बी सी सी डी पर परपेंडिकुलर बी है, उस वजह से वो रेक्टेंगल हो गया इंस्टेड ऑफ पैरेलोग्राम, क्योंकि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और एंगल 90 है, तो ये शेप क्या बन गया रेक्टेंगल। अब हमें दिया है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ए बी सी डी ई की पेरीमीटर 21 है, तो ए बी सी डी ई का पेरीमीटर मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ये वाली साइड 3 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस ये एक्स प्लस वाई, अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस ये वाली साइड आएगी इधर एक्स माइनस वाई हाँ प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 21, ये कंडीशन गिवन है, तो आपको क्या दिख रहा है ये 3 प्लस 5 8 प्लस 3 11, 11 उधर जाएगा, 21 में से माइनस होगा बचेगा 10, और ये x माइनस वाई दोनों टू टाइम्स आ गए, तो 2 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 5, और आपके पास दूसरा रिलेशन क्या है कि x प्लस वाई भी क्या है 5, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, तो y y कैंसिल, x प्लस x 2x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, x 5 है तो y क्या आएगा ऑब्वियसली 0, तो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, हमने इसको ऐड किया, ये मैंने पहले सॉल्व कर दिया था, हाँ, तो ये सिंपल है, तो आपको ये सारी बातें बेसिक्स याद रखना है कि पेरीमीटर दिया पेंटागन का मतलब आप इसको ये वाली साइड नहीं ले सकते, आपको ये जाके ऐसे जाके ऐसे जाके यूं आना है, ये यहाँ पर इन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है, और जब आप पहले इसके पेरीमीटर की बात कर रहे हो पेंटागन के, तो आपको सिर्फ बाउंड्रीज पे मूव करना है, तो आप अंदर वाली साइड ऐड कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और आपको ये याद रखना है कि पैरेललोग्राम बन है और रेक्टेंगल बन गया 90 डिग्री के कारण, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये 5 है तो इसको भी 5 लेना है, और इसकी वैल्यू भी इसकी इक्वल होगी, ये सब बेसिक्स जो है हमने आज पढ़े, ये सारी बातें आपके माइंड में चलनी चाहिए, ऐसे लीनियर इक्वेशन बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तो यदि आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो बेटा, देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू सॉल्व द इक्वेशंस, और इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है उसको करने में, यदि आप 11th में मैथ्स लेंगे तो 11th में भी लीनियर इक्वेशन आपको मिलेगा, और अपने क्वेश्चन लेके मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको 11th की बुक का क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की हेल्प की, ठीक है, थैंक यू।